कैसे पता करें कि हमारी रियल इनर कॉलिंग क्या है? अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को मैं टच करने वाला हूँ, तो अपने ध्यान को बढ़ा लो जिससे कि पूरे ध्यान से आप समझ सकोगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जिसको हम अपने दिल की आवाज़ बोलते हैं, 99% केसेस में वो हमारे दिल की आवाज़ नहीं होती है, हमारे अंदर की आवाज़ नहीं होती है, वो हमारे मन की आवाज़ होती है। मन की आवाज़, मन जो है ना हमारा, वो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे के जैसा है। आप में से किसी के घर में कोई छोटे बच्चे हैं, जैसे 2 साल के थे, 3 साल के हैं, तो आप लोग बड़े अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मुझे अपने घर में सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग काम लगता है ना, मतलब जो करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, घंटों तक कर सकता हूँ, वो है कि अपनी उस 2.5 साल की बेटी को बैठ करके दूर से ऑब्जर्व करता रहूँ, देखता रहूँ कि वो क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पर ऑब्जर्व करी है कि उसको आजकल एक नया शौक चढ़ गया है कि उसके पास में एक बार्बी डॉल है और एक डॉक्टर सेट है, उसके साथ में वो खेलती रहती है अकेले, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम शुरू होती है जब मेरा बेटा स्कूल से आता है। वो आता है और अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो अपने एक रोबोट से खेलने लगे, उसको मैंने एक रोबोट दिलाया था छोटा सा, उसके साथ में खेल रहा हूँ। और जब तक वो खेल रहा था बिना खुश हुए, तब तक मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसको ध्यान से समझना, बिकॉज आई एम गोइंग इन द डेप्थ्स ऑफ माइंड कि हमारे माइंड कैसे काम करता है। आपकी लाइफ काम करती है आपके माइंड से, और अगर आपको माइंड समझ आ गया तो आपको लाइफ समझ आ गई। आपको लाइफ को समझने की जरूरत नहीं है, माइंड को समझ लो, अंदर की दुनिया को समझ लो, बाहर की सारी दुनिया समझ आ जाएगी। सो बारीकी से देखना जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, पेशेंटली आराम से समझना। तो जब तक मेरा बेटा किसी टॉय के साथ खेल रहा है और वो दुखी है, वो खुश नहीं है उस टॉय से, तो मेरी बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो बेटा एक्साइटेड होने लग जाता है, बड़ा खुश हो जाता है, मतलब हंस रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, ये सारे काम कर रहा है, तो मेरी बेटी का ध्यान अपने टॉय से हट जाता है, उसके रोबोट की तरफ चला जाता है। वो धीरे धीरे गई मेरे बेटे के पास में और जाकर के रोबोट को टच करने की कोशिश करी, उसने उसका हाथ हटा दिया, उसने उसको टच नहीं करने दिया। उसके बाद उसने पूरा घर सर पे उठा लिया, मेरी 2.5 साल की बेटी ने, रो रो करके कि मुझे वो रोबोट चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, और तब तक रोती रही जब तक उसको मिल नहीं गया। हम सबको अपने हथियार डालने वाले, उसको उठा करके वो रोबोट दे दिया। अब अपने रोबोट को ऐसे पकड़ा कस के और बड़े स्टाइल से हम सबको देख रहे कि मैं जीत गई और तुम सारे बेवकूफ हो, तुम सब हार गए। और मेरा बेटा, उसको वही समझाना पड़ता है जो मुझे बचपन में समझाया जाता था, बेटा तू बड़ा है, समझदार है, वो छोटी है, ऐसे ऐसे करके इमोशनल उसको अत्याचार करके थोड़ा सा, फिर उससे वो उसका रोबोट लिया, उसको दिया बेटी को, और वो उस रोबोट से चिपक गई, छोड़ नहीं रही उसको, किसी हालत में नहीं छोड़ रही। मेरा बेटा उसको हाथ भी लगा रहा था, रो रही, ऐसे कर रही, ऐसे कर रही, उसको हाथ नहीं लगाने दे रही अपने रोबोट को। वो रोबोट जो कुछ देर पहले तक उसका नहीं था, अब वो उसका हो गया। मैंने उस पूरे खेल को देखा, मेरे को समझ आ गया क्या है खेल। मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा एक काम करो, चेस लेकर के आ। तो मैं उसके साथ चेस खेलने लगा और बीच बीच में मैंने कहा चल यार हाई फाइव ऐसे। तो मैंने अपने बेटे के साथ, जिसका नाम हृदय है, उसको हाई फाइव दिया। मैंने कहा यार मज़ा आ गया, ये वो, थोड़ा नौटंकी। उधर वो जो बेटी थी जो अपने रोबोट के साथ बैठी थी, उसका ध्यान गया हमारी तरफ कि ये इतने खुश क्यों लग रहे हैं ये दोनों। उसने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि शायद ये चेस की वजह से खुश है। समझ लेना अच्छे तरीके से, ये हमारा मन है और वो आ गई चेस पे आकर के कब्जा करने के लिए, आकर के हमारी पूरी गेम खराब कर दी। उठा उठा करके वो जो होता है हाथी घोड़ा ये वो राजा रानी सब उठा करके भागने लग गई, मतलब ले गई। तो मुझे पता था ये होने वाला है। मैंने हल्का सा साइड में आकर के अपने बेटे को स्माइल पास करी, मैंने कहा जा अपना रोबोट ले ले। बच्चे को कोई खिलौना चाहिए, हमारे मन को भी कुछ चाहिए। क्या अच्छा लगता है मन को? वो जिसमें कोई दूसरा इंसान बहुत खुश है। तो हम ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि वो इस वजह से खुश है क्योंकि उसके पास में ये है।
चाहे वजह कुछ और ही हो, चाहे वजह कुछ और हो। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? कितने लोग अपनी जॉब से बहुत खुश हैं? कोई बात नहीं, इट्स अ प्रूवन फैक्ट वर्ल्ड वाइड, 90% से ज्यादा जो लोग जॉब करते हैं वो अपनी जॉब से खुश नहीं होते, फिर भी करते हैं क्योंकि मजबूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम आपका मन है। अपने मन की वजह से आप अपनी जॉब से दुखी हो रहे हो। मन में चेंजेस करें, उसी जॉब में हो सकता है आपको मजा भी आने लग जाए। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो लोग जॉब करते हैं, क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है? किसने हाथ ऊपर किया था, कहना एक बार, हाथ ऊपर करना जॉब वाले, हाँ ठीक है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई वीडियो देखी इंटरनेट पे, कोई बुक पढ़ी, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, या इंटरनेट पे किसी एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा, और एकदम से मन हुआ कि मैं कल ही जाकर के रिजाइन कर दूं? सो ये क्या है? हमारा मन है। जो स्टूडेंट्स हैं यहां पर, उनसे भी एक और क्वेश्चन है,